मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि दो दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यनाश किया गया? यह तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह बारहों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा कि हे रबी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। करेक्शन नंबर। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है,
यहां तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चिलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कही रहा था कि देखो यहूदा जो बारहों में से एक था आया, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आईं। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना, और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया, और देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, क्यों कर पूरी होंगी? उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए, और यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिय इकट्ठे हुए थे, और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाए। अंत में दो जनों ने आकर कहा कि इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह बद होने की योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, और उन्हें थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि किसने तुझे मारा? और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था? उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है? जब वह बाहर देवड़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा,
यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इंकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा।